A very good morning, children. Welcome again in this video. So, children, this is our last worksheet of chapter eight, drawing with paint. And in the last videos, I have explained the almost topic of the chapter. So, once again, I will explain the some important point of the chapter in short. Then I will explain the exercise work. Okay. So here are some important point of the chapter. Like first is how to open paint program. So these are some steps to start the paint program on computer first is click on start button okay and second step is choose all program third is click on accessories and fourth is click on paint program okay so these are the steps to start the paint program click on start button then choose all program then click on accessories and then click on the paint program, okay. So you can write these steps also in as a flowchart, okay. So here like this is the flowchart to complete uh, to uh, open the paint program first is start button click on start button the next is click on all program then next step is click on accessories and last step is click on paint program, okay so these are the steps to start the paint program so here the some other points of the chapter like parts of the paint window okay so here the parts of paint window first is title bar so, title bar title bar is the bar which shows the program or the applications name and file name okay so this is paint window and the first टॉप मोस्ट बार इज़ द टाइटल बार ओके ये फर्स्ट जो बार ये जो टॉप मोस्ट बार होता है ब्लू बार दिस इज कॉल्ड द टाइटल बार एंड दिस डिसप्लेज द प्रोग्राम और द एप्लीकेशन नेम ऑफ प्रोग्राम ओके सो दिस इज़ द टाइटल बार नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर है क्विक एक्सेस टूल बार इज़ प्रजेंट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार ओके एंड क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन्स द बटन टू डू कॉमन टास्क क्या होते हैं इसमें इसमें बटन्स होते हैं विच कैन यूज टू द डू कॉमन टास्क ऑन द पेंट प्रोग्राम ओके सो नेक्स्ट इज पेंट बटन पेंट बटन क्या है पेंट बटन इट कंसिस्ट डिफरेंट ऑप्शन टू वर्क इन द पेंट पेंट बटन में क्या होते हैं डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं लाइक सेव ऑप्शंस प्रिंट ऑप्शंस कॉपी डाउन ओके सो विच दीज आर यूज टू वर्क ऑन द पेंट प्रोग्राम ओके नेक्स्ट रिबन रिबन कंसिस्ट टू पार्ट्स ऑफ द देर आर टू पार्ट्स ऑफ द रिबन फर्स्ट इज टैब एंड सेकेंड इज ग्रुप टैब में क्या होता है ईच टैब कंटेंस टूल्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स टैब में क्या होते हैं सारे जितने भी टूल्स हैं डिफरेंट टूल्स लाइक पेंसिल टूल लाइन टूल सेफ्स ओके सारे कहाँ पर होते हैं टैब में ओके एंड दीज टू दीज टूल्स कंटेंस द डिफरेंट कमांड्स सो दीज कमांड्स आर प्रजेंट ऑन द ग्रुप सो ग्रुप इज़ अ ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन टूल्स रिलेटेड जितने भी कमांड्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं ग्रुप में तो टैब एंड ग्रुप आर द पार्ट्स ऑफ रिबन तो दिस इज अ रिबन हेयर दिस इज ग्रुप एंड दिस इज द टैब ओके नेक्स्ट इज ड्रॉइंग एरिया ड्राइंग एरिया द मेजर पार्ट ऑफ पेन विंडो वेयर वी कैन वी कैन ड्रो एनी पिक्चर और सेफ दिस इज़ द ड्रॉइंग एरिया ये क्या है ड्राइंग एरिया है यहाँ पे हम क्या करते हैं कोई भी आप पिक्चर ड्रा कर सकते हैं कोई भी आप ड्राॅइंग बना सकते हैं ओके सो इट कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द पेंट विंडो दिस एरिया इज़ यूज फॉर मेकिंग कलरफुल ड्राॅइंग क्या होता है ड्राइंग एरिया जहाँ पे हम क्या करते हैं अपनी कलरफुल ड्राॅइंग बना सकते हैं ओके सो दीज आर दार्ट ऑफ पेंट प्रोग्राम एंड पेंट विंडो एंड Some other uh, other topics of the chapter are uh, like using tools and groups. So we have the different tools on the paint program, like pencil tool, a line tool, curves tool. Okay, so these are the tools which help us to draw paint, uh, draw any shapes or any picture on the uh, paint window. Okay. तो पेंसिल टूल क्या है पेंसिल टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री फॉर्म लाइंस और कर्व पेंसिल टूल से हम क्या करते हैं पेंट विंडो में कुछ भी सेप्स या कुछ भी पिक्चर्स क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं ओके एंड इफ़ वी वांट टू ड्रॉ एनी स्ट्रेट लाइन देन वी यूज़ द लाइन टूल इफ़ अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ओनली तो देन यू विल यूज द लाइन टूल और आपको कोई सेप बनाना है कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है तो देन वी यूज़ द

लाइन टूल से आप ओनली स्टैंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो एंड कर्व्स टूल से आप क्या कर सकते हो डिफरेंट कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हो ओके सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज वर्क ओके सो दिस इज एक्सरसाइज वर्क सो हेयर वी हैव फर्स्ट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ओके फर्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज बुक है वो क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सो यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑनली वन लाइन ओके फर्स्ट इज बिच टूल इज यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ओके तो कौन सा टूल है जो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हो तो आंसर इज लाइन टूल बट यू हैव नॉट राइट ओनली लाइन टूल यू हैव टू राइट द फुल लाइन ओके okay, आपको जब भी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं या आंसर इन वन वर्ड आते हैं तो यू हैव टू राइट द कंप्लीट लाइन ओके आपको ओनली वन वर्ड नहीं लिखना है बल्कि क्या लिखना है पूरा आंसर एक लाइन में लिखना है लाइक द लाइन टूल इज यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ओके नेक्स्ट इज नेम द एरिया दैट इज यूज टू दैट इज यूज फॉर ड्रॉइंग एंड कलरिंग द पिक्चर सो वट इज़ द एरिया वट इज़ द नेम ऑफ एरिया सो आंसर इज ड्राइंग एरिया बट यू हैव टू राइट द कम्प्लीट लाइन ड्राॅइंग एरिया इज यूज फॉर ड्राॅइंग एंड कलरिंग अ पिक्चर ओके आप जहाँ पे क्वेश्चन पूछे वहाँ पे आप आंसर लिख दो बाकी आप पूरी लाइन क्या कर सकते हो क्वेश्चन में से ही कॉपी कर सकते हो ओके नेक्स्ट इज इन विच ग्रुप डू यू फाइंड द राउंडेड रेक्टेंगल टूल सो राउंडेड रेक्टेंगल टूल एक टूल होता है विच इज प्रजेंट ऑन द शेप्स ग्रुप सेप्स में सेप्स ग्रुप में आई है ऑलरेडी एक्सप्लेन बिफोर कि शेप्स में क्या होते हैं डिफरेंट सेप्स होते हैं लाइक रेक्टेंगल स्क्वायर सर्कल ट्राइंगल ओके राउंडेड रेक्टेंगल राउंडेड रेक्टेंगल एक टूल है जिसमें आप क्या करते हो दिस इज राउंडेड रेक्टेंगल एक तो सीधा रेक्टेंगल होता है बट जो कॉर्नर पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा राउंड होता है तो दिस इज कॉल्ड द राउंडेड रेक्टेंगल एंड दिस इज दिस टूल इज प्रेजेंट ऑन द सेवस ग्रुप ओके बिकॉज ऑल सेव्स आर प्रेजेंट ऑन द सेवस ग्रुप सो द राउंडेड आंसर इज द राउंडेड रेक्टेंगल राउंडेड रेक्टेंगल टूल इज प्रेजेंट ऑन द सेवस ग्रुप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बार कंटेन्स द बटन्स टू डू कॉमन टास्क सो आंसर इज क्विक एक्सेस टूल बार सो यू हैव टू राइट द कम्प्लीट लाइन क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन्स द बटन टू डू द कॉमन टास्क ओके तो दे जार योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड दिस इज योर फ्लो चार्ट कंप्लीट द फ्लो चार्ट यू हैव टू राइट यर ऑप्शन फर्स्ट आपका स्टार्ट बटन दिया होगा दैन दो आपके यहाँ पे ब्लैंक्स होंगे तो यू हैव टू राइट ये ऑल प्रोग्राम देन एक्सेसरीज एंड देन आपका नेक्स्ट जो है ऑप्शन हो क्या है पेंट ओके तो दिस इज अ फ्लो चार्ट टू ओपन अ पेंट प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ओके तो ओकेर द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज ग्रोइंग एरिया सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ ड्राॅइंग एरिया तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द वट इज़ ड्रॉइंग एरिया एरिया ड्राॅइंग एरिया इज द एरिया वेर वी कैन ड्रो वी कैन ड्रो यानी पिक्चर और शेप्स एंड इट कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द पेंट विंडो ओके ड्राॅइंग एरिया क्या है जहाँ पर आप कुछ भी पिक्चर आप कोई भी ड्रॉइंग बना सकते हो एंड ये क्या करता है पेंट विंडो का मेजर पार्ट कवर करता है ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द पेन पेंट प्रोग्राम सो पेंट प्रोग्राम पेंट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम विच हेल्प अस टू मेक कलरफुल ड्राॅइंग ऑन द कंप्यूटर क्या होता है पेंट प्रोग्राम जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर पे कलरफुल ड्राइंग बना सकते हैं एंड दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम फॉर drawing the अह uh, to make the colorful drawing okay next is write the steps to make a drawing using the paint program तो so, आपको क्या करना है यहाँ पे steps लिखने हैं to so, draw anything on the paint window so first is open the paint program first you have to open the paint program and then click on the tool group उसके बाद आप क्या क्या आपको क्या करना है टूल टूल्स ग्रुप में क्लिक करके एंड सेलेक्ट द पेंसिल टूल यू हैव टू सेलेक्ट द पेंसिल टूल नेक्स्ट द मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया नेक्स्ट स्टेप इज ड्राइंग एरिया में आपको क्या करना है माउस पॉइंटर को मूव कराना है ड्रैक कराना है एंड द नेक्स्ट इज प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टू द ड्रॉ अ पिक्चर इसके बाद नेक्स्ट क्या था लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखना है एंड देन यू कैन ड्रो एनी पिक्चर ऑन द पेन विंडो बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर ऑन द विंडो ऑन द ड्रॉइंग एरिया एंड नेक्स्ट इज व्हेन द पिक्चर कंप्लीटेड रिलीज द बटन जब आप जब आपकी पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो देन यू कैन रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ओके सो दीज आर द स्टेप्स टू ड्रो एनी पिक्चर और शेफ ऑन द Growing area. Next is what is quick access toolbar. So answer is quick access toolbar is the bar which contain which contains the buttons to do common task kya hota है quick access toolbar jisme kya होते हैं different uh, different buttons होते हैं जिनमें कि जिनकी help से हम क्या कर सकते हैं paint program में कोई भी work कर सकते हैं ओके द क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेप्स टू सेव द ड्राॅइंग ऑन द पेंट प्रोग्राम जब आप पेंट प्रोग्राम में कोई भी ड्राइंग बना देते हो तो उसके लिए आपको स्टेप्स लिखने हैं सेव करने के लिए कि okay. प्रोग्राम को अपने सेव करने के लिए सो हेयर द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन पेंट बटन आपको क्या करना है क्लिक ऑन द पेंट बटन नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द सेव ऑप्शन मैंने कहा था पेंट बटन में क्या होते हैं डिफरेंट ऑप्शन होते हैं तो यू हैव टू सेलेक्ट द सेव ऑप्शन ओके नेक्स्ट इज द सेव एज विंडो अपेयर्स ऑन द स्क्रीन सेव ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखाई देगी सेव एज विंडो ओके सो टाइप द नेम इन द फाइल नेम बॉक्स वेयर द फाइल नेम बॉक्स इज प्रजेंट सो यू हैव टू राइट द योर प्रोग्राम नेम ऑन द फाइल नेम बॉक्स ओके नेक्स्ट इज क्लिक ऑन सेव बटन उसके बाद आपको क्या करना है सेव बटन पे क्लिक कर देना है देन योर ड्राइंग विल बी सेव ऑन द पेंट प्रोग्राम ओके तो दीज आर द स्टेप्स टू सेव द ड्राइंग ऑन द पेंट प्रोग्राम क्लिक ऑन द पेंट बटन एंड नेक्स्ट सेलेक्ट ऑन द सेव ऑप्शन एंड नेक्स्ट सेव एज विंडो विल बी अपेयर्स एंड देन टाइप द नेम इन द फाइल नेम बॉक्स ओके okay, यहाँ पे आपको क्या करना है अपने प्रोग्राम को आपको जो भी नेम देना है वहाँ पे वो आपको या अपनी फाइल को जो भी नेम देना है उसको आप क्या करोगे टाइप कर दोगे इन द फाइल नेम बॉक्स ओके एंड लास्ट इज क्लिक ऑन सेव बटन उसके बाद आप क्या करोगे सेव बटन एक लिस्ट लास्ट में खुल जाती है तो जहाँ पर बटन होगा वहाँ पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है तो दीज आर स्टेप्स टू सेव योर प्रोग्राम योर ड्रॉइंग ऑन द पेंट प्रोग्राम ओके सो दिस इज योर एक्सरसाइज वर्क विच यू हैव टू राइट इन योर नोट बुक एंड दिस वर्क विल भी सबमिटेड ऑन द अर्सल एंड द सबिशन डेट इज़ इलेवेंथ फेबररी ओके सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एंड नाउ यूल रिविज़न वर्क विल भी स्टार्ट ओके अब आपका रिविजन वर्क स्टार्ट होगा सो यू हैव टू लर्न योर ऑल स्लेबस एंड थैंक यू